Yo, what's up? What's up? Hola amigos, मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग सब? Welcome back to another brand new video of Airfox. और आज हम करने वाले Q&A. I know this is a bit different, but चलो यार ट्राई करने में क्या जाता है. फर्स्ट टाइम Q&A कर रहा हूँ मैं, एंड अब तक इंस्टाग्राम पे लाइव भी नहीं आया हूँ, तो आई गेस आज या कल इंस्टाग्राम पे लाइव भी जाऊँगा मैं, विल सी. तो चलो यार शुरू करते हैं फटाफट. तो YouTube से हम स्टार्ट करते हैं. मैंने सबसे पहले पोल डाला था YouTube पे, Instagram पे और Discord पे, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारा रिस्पांस आया. आई मीन YouTube पे कुछ अराउंड 40 से 50 मैसेजेस आए हैं, एंड Discord पे भी अच्छे खासे आए हैं, एंड Insta पे तो आए ही हैं. तो चलो यार फटाफट स्टार्ट करते हैं YouTube से. सबसे पहला क्वेश्चन है ऐश की तरफ से, व्हाट विल बी योर रिएक्शन व्हेन यू गेट 10K सब्सक्राइबर्स. तो देखो यार 10K सब्सक्राइबर्स का रिएक्शन तो तुमको 10K पे ही देखने मिलेगा, उससे पहले कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई रिएक्ट टू अ थिंग दैट हैज नॉट हैपेंड येट? आई मीन इट इज़ इनएक्सप्रेसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडबरी सिरिल की तरफ से है, थॉट्स ऑन लव. देख भाई लव पे तो यार मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, आई एम मोस्टली ओरिएंटेड टू माई करियर एंड स्टडीज, तो लव अभी तक तो नहीं इतना ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ है. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कवाई क्वीन की तरफ से, आर यू गोइंग टू कंटिन्यू ह्यूमन फॉल फ्लैट एंड माइनक्राफ्ट. देखो यार ह्यूमन फॉल फ्लैट का तो मुझे पता नहीं, वी हैव आइडियाज, टीम बैठी है एंड वी आर गोइंग टू प्ले ह्यूमन फॉल फ्लैट अगर इंटरेस्ट आया तो, नहीं तो वी विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज कॉल्ड फॉल गाइस, उस पर भी वीडियो बना रहे हैं, एंड माइनक्राफ्ट का नया सर्वाइवल सीरीज आने वाला है. तो गाइस जस्ट स्टे ट्यून्ड, आप जरूर डालेंगे हम सब पे वीडियोज, बस आपको थोड़ा सा रुकना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अपकमिंग प्लान हैं चैनल के लिए, तो स्टे ट्यून्ड बॉयस. आगे बढ़ते हैं आयुष की तरफ से, हाउ डू यू गेट इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. म्यूज़िक तो ऐसा है कि यार बचपन से सुनते आ रहे हैं, एंड गाते थे, सुनते थे, डांस करते थे, तो ये अब इंटरेस्ट उसमें आ गया. एंड 2017 में कुछ ट्रैप नेशन की तरफ से ये लगे थे समर कैंप वगैरह, तो उसमें म्यूज़िक अपलोड करके आई गॉट ब्रेक, तो मैंने सोचा कि चलो यार म्यूज़िक में कुछ किया जाए, तो वही था. मैनी की तरफ से क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर YouTube प्लीज से. तो देखो यार YouTube मैंने स्टार्ट करा था बिना मेरे पेरेंट्स की परमिशन से, मेरे पास PC था, हेडफोन में माइक था, तो बस ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया टाइम पास के लिए. एंड उनको तब पता चला जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी YouTube से, एंड एट दोज टाइम्स 10,000 व्यूज वॉज द क्राइटेरिया फॉर द मोनिटाइजेशन. तो आई गेस ज़्यादा टाइम लगा था 10K व्यूज में, मुझे जल्दी हो गया था. अगला क्वेश्चन है प्रो चोमो की तरफ से, डेली रूटीन जब आप छोटे थे आपका ड्रीम जॉब क्या था, आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, और लास्टली जब आप चाइल्ड थे तब आपके क्या मन में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कर्जे में डूब जाऊँगा. देख भाई एक एक के सवाल का जवाब देते हैं. तो यार डेली रूटीन पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डे इन क्वारंटाइन एंड डे इन नॉर्मल लाइफ, बट अभी नहीं. आई गेस उनके प्लान्स में अगर क्वारंटाइन में मेरे पास नया कैमरा आता है तो बनाएंगे, वरना नेक्स्ट ईयर अ डे इन लाइफ में ज़रूर बनाऊंगा. बट फिलहाल मेरी डेली रूटीन यही है कि मैं रात को 3 बजे तक अराउंड सो जाता हूँ, सब एडिट वगैरह करके, सब चीज़ें करके, एंड 3-4 बजे तक सोता हूँ, एंड अगले दिन सवेरे 8 बजे उठ जाता हूँ, क्लास वगैरह अटेंड करके, फिर कॉलेज अटेंड करके, उसके बाद 1 बजे आता हूँ स्ट्रीम वगैरह करने अगर टाइम होता है, या तो मैं स्ट्रीम करता हूँ, या तो किसी नए वीडियो पे काम करता हूँ, या ज़्यादा काम होता है तो म्यूज़िक कंप्लीट करता हूँ, तो ऐसे ही चलता है अपना. ज़्यादा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में, बहुत बोरिंग लाइफ जीता हूँ मैं. प्रोचोमो आपने अगला क्वेश्चन पूछा था कि आपका ड्रीम जॉब क्या था. तो यार ड्रीम जॉब मेरा क्या था, मैं बचपन में, मैं अभी तक मतलब चाइल्डहुड से लेकर अब तक मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है, तो एस्ट्रोनॉमी में ही मुझे कुछ आगे करना था, बट जैसे जैसे एज बढ़ती गई, जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, तब पता चला कि यार ये कुछ चीज़ें तो औकात के बाहर हैं, तो हम इंजीनियरिंग पे आ गए. और आपने YouTube क्यों चूज़ करा? YouTube मैंने चूज़ इसलिए नहीं करा था कि मुझे उसको अपना करियर फील्ड ऐसा कुछ बनाना था. YouTube एक्चुअली उस टाइम मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था, एंड उस वक्त मेरे बस यही थिंकिंग थी कि यार लोगों को कुछ बताऊं. यार सब YouTube पे आ रहे थे एंड सब फ्री प्लेटफॉर्म, तो मैंने कहा क्यों ना यार हम भी कुछ बनाते हैं, एंड जैसे जैसे बनाने लगा वैसे वैसे इंटरेस्ट आने लगा. एंड लास्टली जब चाइल्डहुड के मन में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन तो आज भी आते हैं, बट आई स्टिल हैव नो आंसर्स टू देम, क्योंकि यार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी लोगों के मन में आते होंगे, बट देर आर ओनली फ्यू जो इसका आंसर्स निकाल पाते हैं. एंड आई गेस मैं कभी उतना टाइम बैठा ही नहीं है सब सोचने के लिए, क्योंकि देख फेलियर ऐसी चीज़ है कि देख कभी मिलती है तो उसे कुछ सीख के आगे सक्सेसफुल होना चाहिए. सो आई गेस फेलियर इज़ नॉट दी एंड, इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ न्यू सक्सेस. तो मैं तो वही मान के चलता हूँ, फेलियर्स तो बहुत आए भाई लाइफ में, बहुत फेलियर्स आए हैं, बट अभी तक कहीं फुल स्टॉप नहीं लगने दिया है हमने, बस बढ़ते जा रहे हैं आगे.
ठीक है भाई, थैंक यू, रिगार्ड्स बेयर फॉक्स। आगे बढ़ते, एक ही महीनों हाँ से काबा की तरफ से क्वेश्चन है, वेयर डू यू वांट टू रेसाइड आफ्टर स्टडीज। तो यार देखो, मेरी तीन ड्रीम कंट्रीज है जहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ। फर्स्ट इन द लिस्ट इज अमेरिका, इट्स यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि मेरे अंकल वहाँ रहते हैं। आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि मुझे वहाँ पर ही काम करना है। आई वॉन्ट टू लिव देयर इन, आई मीन ये जो टाइनी हाउस होते हैं ना, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सो आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ देयर जहाँ पे सिर्फ यू नो शांति हो एंड स्टफ। सो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। आई वुड लव टू लिव इन कंट्री साइड और इन द सिटी साइड, मेरे को कुछ भी चलेगा, बस यूएस में रहने का है। या फिर सेकेंड इन द लिस्ट इज कैनेडा। कैनेडा इज ऑल्सो गुड प्लेस, आई वॉन्ट टू रेसाइड देयर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड थर्ड इन द लिस्ट इज जापान, बट जापान मेरे को नहीं लगता मैं वहाँ पर रह पाऊँगा, क्योंकि यू नो रहन सहन अलग है थोड़ा। तो जापान आई वॉन्ट टू विजिट, बट ऐसा रहने के लिए तो नहीं, बट ठीक है, रहने को भी मिला तो चलेगा, जापान अच्छी जगह है। थ्री ड्रीम कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉक्स कमिटी, मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ। यार एम्बेरसिंग मोमेंट यार बहुत होते रहते हैं, मतलब आए दिन हो जाता है यार, पता नहीं। तो एक मैं तुमको स्टोरी सुना सकता हूँ एम्बेरसिंग मोमेंट की। तो इट वॉज इन स्कूल टाइम, आई गेस आई वॉज इन 7th or 8th, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। तो तुम्हें पता है रेसिस के टाइम पे सब बच्चे कैसे वॉशरूम भागते हैं, यू नो इट्स अ क्रेज़, पता नहीं क्यों, बट वॉशरूम भर जाता है लड़कों का तो स्पेशली। लड़कियों का मुझे पता नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं करा, बट लड़कों का वॉशरूम बहुत भरता है, ठीक है। तो अब सीन क्या था कि हमारे वॉशरूम में किसी ने नल तोड़ दिया था, अब फवारा उड़ रहा था पानी का पूरा। एंड अगर फवारा उड़ता देख ले स्कूल के बदमाश बच्चे जिनको चुल कम नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो भरते बॉटल लाते हैं और होली खेलना चालू कर देते हैं। तो बस मैं वॉशरूम गया था, पानी उड़ रहा था और होली खेली जा रही थी, तो मैंने बस फटाफट अपने काम निपटाए जो करने थे, और उसके बाद मैं भाग रहा था जब मेरा एक टुच्छा दोस्त आके मेरे पे पानी फेंकने वाला था। मैं भागा एंड वॉशरूम के गेट के जस्ट राइट साइड में स्टेयर्स थी, एंड वहाँ पर दो लड़कियाँ टिफिन लेके खड़ी थी, एंड आई बम्प्ड वन एंड आई फॉल ओवर हर। सो दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ एज फार एज आई नो। तो बस वही है एक एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ, और बहुत सारे हैं। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं भी ट्रिगर्ड इंसान जैसी कोई स्टोरी टाइम बनाऊं, तो यार कमेंट्स में स्टोरी टाइम ज़रूर लिखना, क्योंकि स्टोरीज बहुत सारी है बताने को। आगे बढ़ते हैं सीरियस कमेंट की तरफ से। 10K पे क्या करोगे? देखो यार 10K पे बहुत सारे प्लान हैं। मैं सोच रहा था व्लॉग वगैरह चालू करूँ 10K पे, आई मीन आसपास का ही, मुंबई के निखिल जैसे। नहीं, ठीक है। तो अभी प्लान है कुछ DSLR वगैरह लेने के, तो वो लेंगे, एंड उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा डे इन लाइफ वगैरह। तो जैसे ही मेरा DSLR आएगा, सबसे पहला वीडियो आएगा डे इन माय लाइफ। तो आगे बढ़ते हैं 10K पे। यार 10K पे मैं क्या करूँगा, 10K पे मैं एक सबसे पहले तो सेटअप टूर करूँगा, एंड सेटअप टूर करने के बाद एक व्लॉग करूँगा, एंड उस व्लॉग के बाद हम मर्चेंडाइज करेंगे, मर्चेंडाइज वगैरह लाएंगे चैनल पे। बहुत सारे प्लान्स हैं यार 10K पे, वो तो तुमको आने पे पता चलेगा। बस यार फटाफट सब्सक्राइब करो, 10K पे पहुँचा दो भाई को। अगला क्वेश्चन है स्पेक्टेव की तरफ से, क्रश की फोटो दिखाओ भाई। बकवास, दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, रमीसा का क्वेश्चन है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? साइंस स्टूडेंट हूँ, 12th कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। पापा, मुझे साइंस स्ट्रीम छोड़नी है। नहीं चाहिए, मेरे को साइंस पढ़ना ही नहीं है, क्या फायदा। ओके, अगला क्वेश्चन है हाइनेस की तरफ से, हे इमेजिन इफ आई प्रपोज इन फ्रंट ऑफ 5K पीपल, व्हाट विल बी योर आंसर। भाई इतना इंटेंस यार, 5000 लोगों के सामने, देख मेरा कुछ नहीं जा रहा यार, तू प्रपोज कर रही है, मैं हाँ बोलूँगा तो पब्लिक ताली बजाएगी, और ना बोलूँगा तो भी ताली बजाएगी यार, उनका तो मनोरंजन ही होने वाला है। XX शैडो स्टूडियोज का अगला क्वेश्चन है, प्रो गेमर कैसे बने आपके जैसा? प्रो गेमर बनना है, देख मेरे जैसा प्रो गेमर बना तो तेरे पास क्या होना चाहिए मालूम है? एम्पल ऑफ टाइम, एक PC और कुछ ट्रैशी स्किल्स, यू आर अ प्रो गेमर देयर। अगला क्वेश्चन है आर्यन कुमार की तरफ से, हाउ वर यू नेम बेयर फॉक्स? यू सेड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट नेवर टोल्ड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यप, देख बेयर फॉक्स नाम के पीछे एक अच्छी स्टोरी है, इट्स अ बिग स्टोरी।
बट आई स्टिल डोंट थिंक कि अभी क्यू एन ए वीडियो में बना कर उसको लंबा बनाना चाहिए. सो आई गेस अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे नाम के ऊपर वीडियो आया, वाई वॉज आई नेम्ड बेयर फॉक्स, अगर तुम चाहते हो कि ये स्टोरी आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, वी वॉन्ट अ वीडियो ऑन बेयर फॉक्स, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल वॉन्ट दिस. या मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, वहाँ पर डालते हैं येस या नो में पोल करते हैं, ठीक है, लेट्स डू दिस. अगला क्वेश्चन है क्यूटेस्ट वॉइस एवर हर्ड, अलिवा मिनी की तरफ से. यस अलिवा यार ये क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रही हो यार, यू आर द क्यूटेस्ट वॉइस दैट आई हैव एवर हर्ड, और ऐश की आवाज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगती. उसके बाद वाला क्वेश्चन है कल्याणी तिवारी का, सेटअप टूर कब? सेटअप टूर यार 10K पे करेंगे, बट इफ़ पॉसिबल 10K के पहले करेंगे, क्योंकि 10K तो यार सपना है यार. अगला क्वेश्चन है आर्य की तरफ से, व्हाट इफ आई से आई हैव अ क्रश ऑन यू. ओ भाई ये तो भाई मामला गरम हो गया है. देख ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन क्रश और गर्लफ्रेंड, तो यार मोस्ट प्रोबब्ली आई हैव फ्रेंड जोन, बट ऐसा कुछ एक्सेप्टेंस वाला नहीं है, ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही है कि फ्रेंड जोन हो जाओगे, सो इट्स बेटर कि ठीक है बता दिया, अच्छा है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग, तो जस्ट कीप इट ओके. ओके आगे बढ़ते हैं. हाइनेस की तरफ से अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड चूज वन थिंग दैट हैपेंड व्हाट वुड इट बी, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग दैट वुड हैव हैपेंड व्हाट कुड इट बी. यार देख यार पास्ट में बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत करी हैं जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से मेरा आज ख़राब हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं जाकर अपने आप को एक एक्सीडेंट से बचाऊंगा जो मेरे साथ फिफ्थ मैं जब 5 साल का था तब हुआ था. तो आई वॉज इट्स अगेन अ बिग स्टोरी, जो अगर स्टोरी लाइन में शुरू करूँगा अपना स्टोरी टाइम तो उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा, बट इफ़ यू गाइज जस्ट तुम लोग को ओवरव्यू ग्लिम्स देता हूँ. सो जब मैं 5 years का चाइल्ड था तब मेरे साथ एक ट्रेजडी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, एंड उसकी वजह से बहुत सारे साल जो है मेरे हॉस्पिटल्स में बीत गए एंड मेडिकेशन और इन सब चीज़ों में बेड रेस्ट में निकल गया, तो यार चाइल्डहुड रुइन हो गया था मेरा. तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को वो ट्रेजडी होने से बचा लेता. अब अगर तुम लोगों को ये जानना है तो मैं कम्युनिटी टैब पे डालूंगा स्टोरी टाइम के लिए, तो अगर तुम लोगों को चाहिए कि मैं स्टोरीज बताऊं अपनी तो यार वहां पे जाके वोट करो ना, वोट करो वहां जाके. आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट. तो यार देखो यार मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट जो थी वो थी 1K सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया 1000 सब्सक्राइबर्स होना और 10,000 व्यूज़ होना वॉज लाइक वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट. अब उसके बाद मेरे 1,000,000 व्यूज़ होने वाले हैं एंड यू नो इट्स अगेन अ बिग टाइम कमिंग अप, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट. एक बहुत बड़ा टाइम आने वाला है, लाइक 1K सब्सक्राइबर्स एंड 10K सब्सक्राइबर्स एंड 1,000,000 व्यूज इज़ लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर मी जो अब होने वाली है. सो या आई गेस इट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट एंड यप. अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज हेटर्स. तो यार देखो यार हेटर्स जो होते हैं बहुत सारे लोग उनके कमेंट्स निकाल देते हैं, मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स निकाले हैं हेट, बट आई गेस यार हेटर्स को दूर करके कोई फ़ायदा नहीं है. आई मीन दे आर द, अगर तुम दो तरीके से सोचोगे, लाइक फर्स्ट व्यू से तुम देखो कि हेटर्स जो हैं दे हेट यू, पॉजिटिव साइड में देखो तो हेटर्स आर द पीपल हु सी योर वीडियोज़ एट फर्स्ट, ठीक है, तुम्हारा वीडियो अपलोड होते साथ तो तुम्हारा वीडियो देखेंगे एंड एक बार नहीं 4 बार 5 बार देखेंगे, गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे. सो आई गेस यार हेटर्स ऑल्सो डू अ प्रिटी गुड जॉब. आई मीन अगर तुम देखो तो यार हेटर्स की ज़रूरत होती है, आई मीन हेटर्स के बिना तुम चैनल में इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते. अगर सब तुम्हारी तारीफ करके जाएंगे तो हाउ विल यू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ. ओके सो वी नीड हेटर्स, हेटर्स आर इम्पॉर्टेंट, तो #respect रिस्पेक्ट हेटर्स एंड आई लव माई हेटर्स. बहुत सारे हैं, आई मीन बहुत सारे आए हैं एंड बहुत सारे बैन भी हुए मेरे चैनल से, सो उन सबको भी मेरे तरफ से बहुत सारा लव है, और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको तो बहुत सारा लव है यार. तुम लोग के वजह से तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. आगे बढ़ते हैं. इकी मिनो हासेकावा की तरफ से अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एम एंड ड्रीम. यार मेरा एम जो है वो है बीटेक परस्यू करना एंड इंजीनियरिंग ईयर्स में मैं यूट्यूब में अपना करियर बनाने की कोशिश करूँगा. एंड ड्रीम इज़ लाइक मेरा ड्रीम है कि यार कुछ ऐसा करो जिसमें मेरा नाम हिस्ट्री में आए. आई मीन आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. सर्वरी सिल की तरफ से रेगुलर स्ट्रीम्स किया करो. यार ट्राई तो बहुत करता हूँ रेगुलर स्ट्रीम्स करनी, बट कंटेंट इतना सारा है कि बहुत सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ती हैं. जब कभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता दैट टाइम आई कम टू स्ट्रीम, जब कभी मेरा स्ट्रीम करने का मन नहीं करता दैट टाइम आई मेक वीडियोस, एंड जब दोनों ही करने का मन नहीं करता दैट टाइम आई मेक म्यूजिक. तो एट एनी मोमेंट आई एम बिजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वरी सिल की तरफ से, वाई टी और स्टडीज़ कैसे मैनेज कर लेते हो.
तो यार देखो YT और स्टडीज़ में साथ में कैसे मैनेज करता हूँ, यही गीतू का भी क्वेश्चन है। तो देखो YT और स्टडीज़ में एक साथ इसलिए मैं ऐसे मैनेज करता हूँ कि लाइक आई स्टडी लाइक 10 to 12 आवर्स अ डे, आई मीन बिफोर एंड आफ्टर माई 3 hours ऑफ YouTube। तो जो 3 hours में YouTube के देता हूँ वो है 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 4 ऐसे करके दिन में। तो 1 o'clock में बैठता हूँ एंड 4 o'clock तक मेरा सारा टाइम YouTube को जाता है, रेस्ट ऑफ द टाइम आई स्टडी लाइक रात के 2-3 बजे तक आई डू इट। सो ऐसे में टाइम बांटता हूँ अपना। अगला क्वेश्चन है स्पेक्टेव की तरफ से, BTS पे रोस्ट कब करोगे? देखो यार BTS इज़ लाइक वन ऑफ द ग्रोइंग म्यूजिक ग्रुप्स, ठीक है, एंड रिसेंटली मुझे सुनने में आया कि दे गॉट द बेस्ट फैंडम पावर्स इन द वर्ल्ड एंड सॉर्ट ऑफ थिंग, बट वी आर नॉट इंटरेस्ट इन दैट। ओके, रोस्ट उन पर किया जाता है यार जो गलत करें, बट BTS आई डोंट फील दैट दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दे आर मेकिंग म्यूजिक एंड दे आर ऑन द ट्रैक यार, दे आर ऑन द ट्रैक, दे मेक गुड कंटेंट एंड स्टफ, सो आई डोंट फील लाइक रोस्टिंग देम। ओके, सो विजित की तरफ से क्वेश्चन है, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? तो देखो यार मैं यूट्यूब पे आके सिर्फ 2-3 चैनल की ही वीडियो देखता हूँ, सो आई मोस्टली वॉच मिथ पैट, ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशनल क्रिएटर, मैं उन्हीं से एंटरटेनमेंट के लिए इंस्पिरेशन लिया था, सो ही वॉज अ फिगर, इंस्पिरेशनल फिगर फॉर मी, तो ही इज़ ऑब्वियसली माई फेवरेट यूट्यूबर, आई लव वॉचिंग हिज कंटेंट। एंड अगला क्वेश्चन विजित की तरफ से है, वॉट इज़ योर एज एंड विच सिटी यू फ्रॉम? तो भाई मेरी एज है 17 ईयर्स एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। नीरज का क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन योर चैनल गॉट स्ट्राइक? तो यार अभी तुम लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा बट अगस्त के स्टार्ट में मेरे चैनल को स्ट्राइक लगी थी, 2 अगस्त को, और 7-8 स्ट्राइक्स एक साथ लग गए थे। तो यार बहुत बुरा लगा था क्योंकि एक हफ्ते तक मैं कुछ कंटेंट नहीं बना पा रहा था और सब कुछ रुक गया था अचानक से, बहुत सारी चीज़ें थी जो आने वाली थी, जैसे मेरे सॉन्ग के रिलीज़ डिले हो गए, जो गाना 11th को रिलीज़ हुआ मेरा उसकी एक्चुअली रिलीज़ डेट 4th को थी, तो वो भी सब गड़बड़ हो गया था। एंड हाउ डिड आई ओवरकम दिस फीलिंग इज़ लाइक बस कुछ नहीं यार, अपना ध्यान दूसरी जगह लगाया, क्योंकि यार YouTube पे अपलोड बंद हुआ है, कंटेंट बनाना तो बंद नहीं हुआ ना, तो एट दैट मोमेंट आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट एंड स्टार्टेड थिंकिंग मोर, ज़्यादा सोचने लगा कि क्या बनाओ क्या इम्प्रोवाइज करो, सो वी गॉट 1 week ब्रेक, तो उसमें मैंने यूटिलाइज़ करा टाइम to see what can I make more and what can I do to entertain my people, तो उस हिसाब से मैंने overcome कर लिया वो। अगला question है खुशी गाबा की तरफ से, how are you so talented? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? अरे यार talent बचपन से, चक्की का आटा matter नहीं करता यार, matter नहीं करता, तो कोई भी चीज़ कोई भी इंसान entertain कर सकता है, लेसन एंडल उसका sense of humor अच्छा हो, तो तुम लोग को लगता है मैं entertaining हूँ, that means my sense of humor is good, तो just stay tuned, keep loving and keep supporting। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव की तरह से, भाई चैरिटी स्ट्रीम कब करोगे? बाय द वे शाउट आउट प्लीज़, तो यार शाउट आउट टू डिस्ट्रक्टिव एंड चैरिटी स्ट्रीम यार मेरे ख्याल से 1 lakh सब्सक्राइबर्स के बाद ही होती है, उसके पहले तक तो मैं अपना बेस बढ़ाना चाहूँगा, अपना फैन बेस बढ़ाना चाहूँगा, उसके बाद विल डू चैरिटी स्ट्रीम्स पक्का यार, मेरा ड्रीम है कि एक बार लाइफ में चैरिटी स्ट्रीम ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन है मैकेंजी की तरफ से, टेल मी अबाउट योर यूट्यूब जर्नी। तो यार यूट्यूब जर्नी वॉज 4 years लॉन्ग and we have achieved a lot of things together and we have done a lot of stuff together, तो बहुत सारा support मुझे तुम लोगों की तरफ से भी मिला है and बहुत ज़्यादा support मुझे मेरे family की तरफ से भी मिला है, तो YouTube जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊँगा तुम लोगों को स्टोरी टाइम वीडियो में। तो गाइज अभी के लिए तो यही सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास आंसर देने के लिए, एंड आई नो बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन छूट गए हैं, बट यार वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और मुझे सब कुछ बहुत जल्दी एडिट करके रखना भी था, सो आई गेस आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो यार बुरा मत मानना, अगले Q&A होते रहेंगे ऐसे, तो अगली बार आपका क्वेश्चन हम ज़रूर देख लेंगे। मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग बायर फॉक्स एंड पीस ऑफ।